शेर से आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साइनिश 24/7 लाइव सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। आरपीएफ की पाठशाला, ट्रेनों में यात्रा के दौरान जहर खुरानी का शिकार होने से यात्रियों को बचाने के लिए आरपीएफ के जवान पाठशाला लगातार यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल के जवान दिन रात एक करके स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों को जागरूक करने में जुटे हैं। आने वाले त्योहार दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर आरपीएफ के मंडल कार्यालय के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इन दिनों रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान हाथों में बैनर पकड़कर यात्रियों को जहर खुरानी के प्रति जागरूकता का पाठ पढ़ाते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रेन पर यात्रा कर रहे यात्रियों को जहर खुरानी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर शाहजहांपुर आरपीएफ के जवान उन्हें जागरूक कर रहे हैं। रात के लगभग 12 बजे शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान हाथों में बैनर पकड़कर यात्रियों की पाठशाला लगाकर उन्हें जहर खुरानी के प्रति जागरूक करते हुए बड़ी ही आसानी से देखे जा सकते हैं। जो घुलेंगे मिलेंगे और आपको कुछ खाने पीने की चीज खिला देंगे, उसमें नशा हो जाता है आदमी का और उसका जो है सामान लेकर के वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो कई बार तो हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो नशे की हालत में हमें मिलते हैं, फिर उनको नशे में से होश में आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारे साथ। बोले जी वहाँ दो चार आदमी थे, उन्होंने हमें मिले घुले और हमें खिला दिया, उसके बाद हमें होश ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो आदमी कई बार कहते हैं कि हम वहाँ से आ रहे हैं, किसी भी धार्मिक स्थल का नाम ले देंगे जी प्रसाद है आप लोग खा लो, तो हम खा लेते हैं तो कई बार हमें नशा हो जाता है और वो सामान लेकर के चले जाते हैं। आपको जो टोटल बात बताने का उद्देश्य ये है कि जिसको हम नहीं जानते उससे हमें खाने पीने की चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, चाहे वो कितना भी आपका ये कहे कि आपसे पूछेगा कि आप आगे मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ, अरे अच्छा उसके पास के रहने वाले, घंटाघर के पास के रहने वाले, वहाँ तो मेरा भी घर है, इस तरीके से वो बताएगा आपको या और कुछ इस तरीके से आपको उलझाएगा और खिला देगा, समझ गया। नहीं तो कुल मिलाकर के ऐसा जिसको हम नहीं जानते, चाहे वो हमसे कितनी मीठी बात करे, कितनी रिश्तेदारी निकाले या कितनी नज़दीकी कोई चीज़ निकाले, वो हमें नहीं मतलब उसका हमें जो सामान वो खिलाएगा उसको हमें नहीं खाना। ठीक है, कई बार वो कोशिश करेगा कि लो जी लो पानी की बोतल लो पानी पी लो, पानी में भी वो मिला देते हैं, मतलब इस तरीके से हम धोखा खा जाते हैं कि हमें जानकारी नहीं हो पाती कि हम इस चीज़ को खा रहे हैं, हम जहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो जिसको हम नहीं जानते उस आदमी से हमें खाने पीने की चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी। ये तो हो गया इससे संबंधित। एक चीज़ और बताऊँ, अभी एक हादसा हुआ है यहाँ पर, एक गाड़ी थी बेगमपुर तो उसमें वो चलती ट्रेन में भाग करके दौड़ करके वो लड़का चढ़ रहा था और वो ट्रेन के नीचे आ गया, गनीमत ये रही कि वो बच गया है। पेपर में था वीडियो में अभी की एक तो बेगमपुर तभी गई है आधा घंटे पहले की बताया अभी नहीं बेगमपुर अभी से देखा हूं अभी ने देखा है आधा घंटे पहले पहले भी आधा घंटा को ट्रेन ले गया बेगमपुर तो वो अच्छा हुआ उसके नीचे आ गया, वो पतला था बच गया, वो बच गया वैसे तो चलती ट्रेन में भी नहीं चढ़ना इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और ये खाने पीने की चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी अनजान व्यक्ति से जिसको आप नहीं जानते हैं उससे किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीज हमें नहीं लेनी। ठीक है जी, अपनी यात्रा करो, सुरक्षित करो, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं अपने घर परिवार में वहाँ हमारा इंतजार करते हैं माँ बाप भाई बहन, उन तक हमें सुरक्षित पहुँचना जरूरी है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, ट्रेन छूट जाएगी कोई बात नहीं दूसरी मिल जाएगी, जीवन बचा रहेगा तो हमारे दो दिन बाद सोच लेंगे, दिन बाद सोच लेंगे। ठीक है, बढ़िया यात्री करो, सुरक्षित यात्रा करो।